दोस्तों नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, प्रभात, सत श्री अकाल। मैं हूँ प्रणीता और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल प्रणीता ट्रैवल एंड फूड में। तो देखिए, आज हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है हरे हरे एकदम गार्डन में आके। तो यह है मेरा छोटा सा गार्डन। और आप लोग कैसे हो? उम्मीद करती हूँ, भगवान जी से हर रोज़ दुआ करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और मस्त रहो, क्योंकि आप लोग मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, मेरे फैमिली मेम्बर हो, और तभी तो आप लोगों की दुआ से मैं मस्त और खुश हूँ। सुबह की शुरुआत हमारी किचन से हो चुकी है, गरम गरम चाय की प्याली के साथ। तो स्टार्ट करते हैं आज का दिन एक कप चाय के साथ। किसे किसे चाय पसंद है आप लोग ज़रूर हमें बताइएगा। तो यहाँ पे हम आ गए हैं किचन में, और देखिए मैंने उन्हें नाश्ता करवा के भेज दिया था। सुबह में नाश्ता बना की तैयारी यहाँ पे शुरू कर दी। यहाँ मैं आज बनाने वाली हूँ चना दाल और ये जो झींगा है, आपके इधर क्या बोला जाता है मुझे बताइएगा कमेंट में। तो इसी का मैं तड़का बनाने वाली हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने सिंपल तरीका आजमाया है। यहाँ चना के दाल में ही मैंने प्याज, टमाटर, अदरक, मिर्च, लहसुन और जितने भी मसाला था सारा मसाला हमने ऐड कर दिया है। धनिया, हल्दी, चाट मसाला पाउडर, गरम मसाला पाउडर, जो भी मैं यूज काट लूँगी अच्छी तरीके से इसे छील के। और देखिए मैं इसे कट कर लूँगी, इसमें डाल दूँगी। तो देखिए इस तरीके से सारा कुछ एक साथ मिक्स करके मैं इसे सेट कर दी हूँ ताकि मेरा फटाफट से बन जाए कोई। और इधर मैं दूसरी तैयारी कर लेती हूँ, आलू और बोरा की आज मैं मसालेदार सूखी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। तो इसमें मैं कोई लफड़ा तामझाम नहीं करूँगी, एकदम शॉर्टकट में एकदम अच्छे से बना लूँगी। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा इस तरीके से बना के, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। और सबसे बड़ी बात यह है कि टाइम का बचत होगा आपको और आप जल्दी जल्दी बना भी लोगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा बोरा एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में मैं कट कर ली हूँ। बहुत सारे लोग लंबे लंबे टुकड़े में काटते हैं, वो अपनी मर्ज़ी होती है सबकी। तो मुझे छोटे छोटे कट करना ही पसंद है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे सारा कुछ कट कर लूँगी। और हाँ, आप लोगों ने तो मुझे बधाई दी ही नहीं, शुभकामना दी ही नहीं, क्योंकि आज मेरी शादी की चौथी सालगिरह है। और हमारे यहाँ मतलब गांव में ज़्यादा मनाया नहीं जाता है ये सब कुछ, तो कभी हम मनाए नहीं हैं। तो यहाँ अगल बगल भी ऐसा कुछ नहीं होता, तो कभी कभी बुरा लगता है ये देख के कि अब जब छोटी थी तो माँ बाबा को मेरा जन्मदिन याद नहीं रहता था, और जब शादी करके आई तो पति को ऐसा लगाव है नहीं कि मतलब थोड़े पुराने ख्याल आते हैं तो बर्थडे मनाएं और एनिवर्सरी मनाएं, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फ्रेंड लोग हैं, उनका अच्छा मतलब है लाइफ स्टाइल, तो वो लोग ऐसा करती हैं, कभी कभी मुझसे पूछ देती हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैं कभी नहीं मनाई हूँ ये सब चीज़। तो आप लोग बस मुझे सपोर्ट करते रहें, अपना ढेर सारा प्यार देते रहें ताकि मैं कभी भी अकेलापन फील ना करूं। तो देखिए यहाँ पे मेरा सारा कट हो चुका है, सब्ज़ी वगैरह, और साफ़ कर ली हूँ मैं। एक कपड़ा मैं पोंछने के लिए रखती हूँ और एक कपड़ा मैं पकड़ने के लिए रखती हूँ, दोनों एकदम मस्त। देखिए फटाफट से प्याज उधर कढ़ाई चढ़ा के तेल वेल डाल के मेरा तड़का हम लगा दिए हैं, और इधर हम टमाटर फटाफट काट लेते हैं। प्याज और मिर्च, टमाटर, प्याज और मिर्च हम एक साथ ही डाल देंगे, कोई अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं है हमें। तो देखिए इस तरीके से उधर तड़का मेरा लग गया है कढ़ाई में,
और इधर मेरी मतलब झींगा और चना दाल की सब्जी भी बन रही है, उधर बरबिट्टी की सब्जी मैं बना लूँगी फटाफट। तो खाना तो भाई बहुत जल्दी बन जाता है, इसे बनाने में मुझे लेट नहीं लगता। लेट क्या चीज़ में हो जाता है, घर के कामों में हो जाता है। अब एक दिन का तो है नहीं, आपका जो रेगुलर है ड्यूटी वो तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आपकी तबीयत ख़राब हो या करने का मन नहीं करे, लेकिन करना तो पड़ता है। नहीं तो सुनिएगा बहुत जम के, क्योंकि ऐसी फैमिली मिली नहीं है जो आपको सपोर्ट करने वाली हो। तो क्या कर सकते हैं भाई, हाउस वाइफ की तो यही कहानी है, कोई नहीं हो समझने वाला होता है दुख दर्द। तो देखिए दोनों तरफ हम यहाँ पे चढ़ा दिए हैं, कम कर लेते हैं। तब तक यहाँ पे अथर्व दूध पी चुका है, तो मैं यहाँ पे सोच रही हूँ उसे थोड़ा सा पपीता कट करके दे देती हूँ खाने के लिए, और मैं भी साथ में खा लूँगी, क्योंकि मुझे डॉक्टर ने खाने के लिए कहा है। कुछ दिन पहले ना मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, और मैं जब सो के उठती थी ना तो मेरा सारा शरीर फूला फूला रहता था, गाल हाथ पूरा एकदम, पता नहीं चल रहा था क्या हो गया। तो डॉक्टर से चेकअप करवाई, दवाई वगैरह दी है, और पपीता खाने के लिए सजेस्ट किया है उसने मुझे, क्योंकि पेट में भी बहुत दर्द रहता था। तो वहीं उसी के साथ खा लेती हूँ, रेगुलर कभी नहीं खाती, कभी कभी आ जाता है तो खा लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी जा रहे हैं उसी के साथ, थोड़ा सा मस्ती करेंगे, खेलेंगे, और साथ में दोनों माँ बेटे मस्ती करेंगे। तो चलिए आप लोग मुझे शुभकामना ज़रूर दीजिएगा कमेंट करके बताएं, मतलब प्लीज़, और ताकि मुझे अकेलापन फील ना हो। आज के दिन थोड़ा बुरा लग जाता है ना, क्योंकि मेरी एज ज़्यादा हुई नहीं है और कम एज में मेरी शादी हो गई। और अभी जब देखती हूँ अभी की लड़कियाँ सारी मतलब अपने पति से चिपके हुए रहती हैं, तो हमेशा रहती हैं चिपके हुए, तो मुझे भी शौक लगता है काश मेरे भी हस्बैंड मुझे इतना टाइम देते, पर वो मुझे नहीं देते हैं ऐसा कुछ टाइम। तो देखिए अथर्व यहाँ पे खा रहा है, और मेरा वाला भी ले लिया इसने, खाएगा तो कुछ नहीं, 3-4 क्यूब खाएगा, बाकी छोड़ देगा, मुझे ही खाना पड़ेगा। इसे मैं बहुत मार पीट के खिलाती हूँ, आप लोगों के पास कोई तरकीब हो बच्चों को खिलाने के लिए तो आप लोग ज़रूर मुझसे शेयर करिएगा। तो मैं वापस किचन आ गई हूँ, और यहाँ पे मेरी वो झींगा और चना दाल की सब्जी बन के तैयार हो गई है तड़का, तो इस साइड मैं अदहन चढ़ा दी हूँ यहाँ पे, और वो भी सब्ज़ी मेरी बन के रेडी हो गई है। तो देखिए यहाँ पे हम जा रहे हैं थोड़ा सा चिड़िया को ये अनाज खिलाने के लिए हम रखते हैं, क्योंकि हमारे घर के जो बालकनी है ना उसमें बहुत सारे कबूतर मैना और गिलहरी वगैरह आते हैं। कभी कभी मैं आपको आएंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी। ये देखिए मेरे घर में मनी प्लांट की कमी नहीं है, हर जगह मनी प्लांट का आपको पेड़ मिलेगा, लेकिन मनी की बहुत कमी है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं ना जिसके घर में मनी प्लांट बहुत ग्रो करता है उसके घर में मनी होता है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, मेरे घर में तो भरा पड़ा है मनी प्लांट। तो देखिए मेरा यही पुराना वाला घर है, हम लोग यहीं पे रहते थे, अभी बंटवारा हुआ है तो हम लोग इधर नया घर में आए। तो देखिए हम चिड़िया के लिए यहाँ पे रख दिए हैं, वो आएगी तो खा लेगी, हमें देखती है या हमें से किसी को भी, तो छुप जाती है भाग जाती है। अथर्व उसके साथ खेलते रहता है, कभी हम आपको दिखाएंगे ज़रूर। तो देखिए ये मेरा सुंदर सा फूल का पौधा, बहुत सारा फूल का था लेकिन अभी एक ही है, क्योंकि अभी ये लगाए नहीं हैं, ये सब काम मेरे हस्बैंड ही करते हैं पेड़ पौधे वाला। तो चलिए वापस किचन में आ गए हैं, और देखिए हम क्या क्या डिनर में बनाए हैं। चावल है और आलू बोरा की सूखी स्वादिष्ट सब्जी जो मैं बताई थी आपको, देखिए आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा एक बार, आपको बहुत अच्छा लगेगा देखिएगा। और ये झींगा और चना दाल की तड़का, जिसे मैंने देसी घी से छौंक दिया है, सूखी मिर्च जीरा सौंफ डाल के। तो फाइनली खाना यहाँ तैयार है, अथर्व के पापा आ चुके हैं स्कूल से, उन्हें मैंने खाना परोस दिया है और ये अथर्व को खिला रही हूँ। तो जैसा कि मैंने कहा ये खाने से ज़्यादा बदमाशी करता है, तो देखिए पानी फेंक रहा है खुली निकाल निकाल के, और उसके बाद इस यहाँ पे देखिए आधा खाया है आधा छोड़ दिया है, और पपीता का भी वही हाल है, ये खाता नहीं है, इसे मैं नहा धो के रेडी कर चुकी हूँ। तो बस मैं नहीं नहाई हूँ, अब मैं नहा लूँगी, सारे काम हो गए हैं। तो फाइनली हम भी नहा वहा के रेडी होके पूजा करके आ गए हैं अपनी एनिवर्सरी के दिन। आप लोग मुझे देखिए मैं कैसी लग रही हूँ, वैसे कोई साज सजावट नहीं की है, इतना ज़ोर की भूख लगी हुई थी, इतना सारा कपड़ा पड़ा हुआ था, सब धोने के बाद मैं फाइनली खाना खाने आई हूँ, और आपको टाइम भी दिखाती हूँ कि कितना टाइम हो चुका है। मस्त एकदम गाना साउंड बजा ली हूँ और बस बैठ के खाना का इंजॉय कर रही हूँ। तो देखिए टाइम 1:30 बज चुका है, बताइए 12:30, 1 बजे से तो पहले मैं खाती हूँ। तो देखिए
बस शरीर मेरा फूल गया है ऑपरेशन होने के बाद। तो ये देखिए खाना मैं खा रही हूँ और बस अब थोड़ा सा कपड़ा है, जाऊँगी वो आयरन करना है मुझे कपड़ा। तो देखिए शाम के 4 बज चुके हैं यहाँ, और यहाँ पानी पूरी की पार्टी चल रही है आज मेरी एनिवर्सरी पे। तो चलिए मम्मी और उनको तो हम दे आए हैं, और हम और अथर्व नीचे बैठ के खा रहे हैं। देखिए अथर्व बहुत मज़े लेके खा रहा है। हाँ हम भी खाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम मज़ा लेते हुए हम माँ बेटे पूरा पानी पूरी का लुत्फ़ उठा रहे हैं, और ऊपर वो माँ बेटे। तो देखिए आज का दिन हमारा ऐसे ही अच्छा गुजर गया, ठीक ही गुजर गया। वैसा कुछ खुशी हुआ तो नहीं, लेकिन फैमिली के साथ अपने बच्चे के साथ खुशी हूँ। तो आप लोग दुआ कीजिएगा कि मेरी ज़िंदगी में और भी खुशियाँ आए, और मैं जो चाहती हूँ वो मुझे मिले। तो देखिए यहाँ देखा ना आपने, अथर्व कितना शरारती है, आप लोगों को बोल रहा है सब्सक्राइब शेयर और लाइक करने के लिए, मैंने जबकि सिखाया भी नहीं, अपने मन से बोल रहा है। तो अच्छा ही गया मेरा आज का दिन। तो अब बस चाय बनाना है और मेरा ड्यूटी ख़त्म आज का, उसके बाद शाम 7 बजे से फिर खाने में लग जाऊंगी। तो आप लोगों को प्लीज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दें, और जो भी नए हैं नए देख रहे हैं वो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। क्योंकि जानते हैं आप देख रहे हैं ना, जो भी जैसी सिंपलिसिटी में आपको दिखा रही हूँ मैं, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर देखिए आ गई हूँ मैं चाय की तैयारी करने। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, कभी कभी बात भी सुन जाती हूँ, घंटों लग जाते हैं एडिटिंग वगैरह करने में, क्योंकि अभी सीख ही रही हूँ, नहीं हूँ। तो आप लोग कॉन्फिडेंस बढ़ाइएगा तभी तो मज़ा आएगा ना, व्यूज बढ़ेगा तभी तो मज़ा आएगा ना। कुछ कुछ लोगों को देखते हैं कि व्यूज मतलब बिल्कुल आ ही नहीं रहा है मेरे ऊपर, मतलब बस सो करके सो कमेंट कर देते हैं, हो गया ऐसा मत करो यार, जब दिल से जुड़े हो फ्रेंड माने हो तो फुल मतलब आप व्यूज़ किया करो ना वीडियो को, तब तो अच्छा लगेगा, अच्छा व्यूज उठेगा तब तो मुझे भी मज़ा आएगा ना वीडियो बनाने में। तो देखिए यहाँ पर मेरी चाय बन के तैयार हो रही है, और प्लीज़ 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 आप लोग मुझे मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब और लाइक कर दें। फिर तो आपसे फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ और खुश रहें, और हमें भी आशीर्वाद दें कि हम लोग भी स्वस्थ और खुश रहें।